हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 20B से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:2। ए 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क has an area of 305 meter square. Find the dimensions of the park. इससे पहले हम भी same type of question को solve कर चुके हैं और question number 9 भी same इसी तरह है, पर मैं यहाँ पर आपको diagram करके solve करके दिखाती हूँ। पहले हम diagram कर लेंगे park का। वो rectangular shape है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ उसका रेशियो फॉर्म में दिया गया है, तो हम लेके करके उसको सॉल्व करेंगे। ए 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड ऑफ द पार्क। अगर बीच का हम पार्क ले लेंगे, ये अगर हमारा पार्क हुआ, ये लेंथ हमारा 2.5 मीटर वाइड होगा, ठीक है। और अगर हम इसको 5x लेंगे, x लेंगे, इसको 5x उसका लेंथ लेंगे और 2x उसका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट हमको एरिया, लेट द लेंथ जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं। लेट द लेंथ और बाहर का मैं नेमिंग ABCD कर रही हूं, अंदर का EFGH, जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन पे नेमिंग किया हूं, आपको समझने में इजी हो जाएगा। लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू 5x, मैं इसको 5x लिया हूं, आप HG GH कोई भी नेमिंग कर सकते हो। EF वो भी 5x है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर, और टू EH को 2x और FG को 2x। लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू 5x, लेंथ ऑफ EH, मैं EH ले रही हूं, ठीक है, जो कि 2x। अभी इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ EFGH फिगर, ठीक है, मतलब EFGH रेक्टेंगल वो भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 5x इंटू 2x जो कि 10x स्क्वायर। और आप मीटर, इसमें हमारा यूनिट नहीं है तो आप यूनिट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते क्योंकि यहाँ पर 2.5 मीटर है, हम फाइनली यूनिट को लगा सकते हैं। तो एरिया फर्स्ट इनर रेक्टेंगुलर का एरिया हम निकाल लिए। उसके बाद हम बाहर जो रेक्टेंगल है उसका भी एरिया निकालेंगे। वो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका लेंथ पता करना होगा, ठीक है। तो एरिया, सॉरी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी हमको चाहिए। तो ई एफ लेंथ कितना है, 5x प्लस यहां पर राइट को 2.5 है, लेफ्ट को भी 2.5 है, तो 2.5 इंटू 2, सॉरी, जो कि 5x प्लस 5 है कि नहीं, AB का लेंथ हमारा आ गया। नेक्स्ट लेंथ, हम लेंथ ऑफ AD, वो क्यों, हमको ब्रेथ भी चाहिए एरिया निकालने के लिए, जो कि ये कितना 2x प्लस सेम 2.5 इंटू 2 दोनों साइड पर, ठीक है। तो 2x प्लस 5, इसका वैल्यू हमारा 5 आ रहा है और 2x इस साइड, EH 2x है प्लस 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, समझ में आ गया अभी। नेक्स्ट हमको लेंथ AB और AD आ गया, जो कि हमारा लेंथ एंड ब्रेथ आ गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल, मतलब बाहर साइड का जो रेक्टेंगल फिगर है उसका हम एरिया निकालेंगे, जो कि 5x प्लस 5 लेंथ
इनटू ब्रेथ हमारा 2x+5, इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, पहले इसके साथ दो, ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x into 2x plus 5 plus 5 into 2x plus 5, है कि नहीं। ये हमारा 10x square plus 25x plus 10x plus 25, फाइनल टोटल हमारा क्या आ जाएगा 10x square और ये 35x plus 25, एरिया ऑफ एबीसीडी रेक्टेंगल, मतलब आउटर रेक्टेंगुलर का एरिया हम निकाले यहां तक। अभी हमको क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ ऑल अराउंड, फाइंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क, ठीक है। तो फाइंड कैसे करना, पर गिवन क्या है, ए 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड, मतलब यहाँ चारों तरफ जो पाथ बनाया गया है ऑफ एरिया गिवन है 305 मीटर स्क्वायर। तो हम इक्वल कर लेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हमारा निकला है उसके साथ 305 को हम वैल्यू पुट करके एक्स का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ कितना, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ ईएफजीएच। पहले भी हम इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके आ चुके हैं। तो एरिया ऑफ पाथ कितना गिवन है, 305, यहां पर हम पुट किए। एरिया ऑफ एबीसीडी कितना है वो पहले हम निकाले थे, अभी 10x square plus 35x plus 25, है कि नहीं, माइनस एरिया ऑफ ईएफजीएच पहले हम कैसे निकाले थे, 10x square, इसको कैंसिल कर लेते हैं, अभी 305 35x plus 25, इतना ही हमारा बच्चा है। तो 35x इज इक्वल टू, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, 35x plus 25 इज इक्वल टू 305। बस मैं लेफ्ट राइट को एक्सचेंज किया हूं, वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी हमको क्या चाहिए, 35x, इस 25 हमारा राइट को आ जाएगा, 305 माइनस 25। नेक्स्ट एक्स कितना, 305 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 35, है कि नहीं। तो 305 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 0.82, 280 डिवाइडेड बाय 35। इसको हम 7 में कट कर सकते हैं, क्योंकि 28 7 में कट हो रहा है, और 7 5 जा 35, ये 40, और 5 में इसको कट लेंगे तो 8 आ गया, तो x हमारा 8, करेक्ट। अभी हमको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन, मतलब 5x एक गिवन है, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 8, जो कि 40 मीटर, 2x उसका ब्रेथ है जो 2 इंटू 8, जो कि 16 मीटर, हमारा फाइनल आंसर लेंथ एंड ब्रेथ हमको मिल गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए रेक्टेंगुलर लॉन 70 मीटर बाय 50 मीटर हैज टू रोड्स इज 5 मीटर वाइड रनिंग थ्रू इट्स मिडिल, वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पहले ये जो रेक्टेंगुलर एक लॉन है उसका लेंथ है हमारा, लेंथ इज इक्वल टू 70 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 50 मीटर, उसके अंदर इच 5 मीटर वाइड एक पैरेलल लाइन ब्रेथ की तरफ है और 5 मीटर वाइड लेंथ के तरफ है, मतलब यहां से यहां तक हमारा 5 मीटर, यहां से यहां तक हमारा वो भी 5 मीटर, ठीक है, मतलब ये ब्रेथ के तरफ है और लेंथ के तरफ ही है। उसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी
डी ई, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है क्योंकि 5 मीटर वाइड एक रोड बनाया हुआ है, पैरेलल होके लेंथ को पैरेलल होके एक रोड है और ब्रेथ को भी पैरेलल है, मतलब क्रॉस क्रॉस हो गया, दो रोड बनाया हुआ है। तो हमको क्या करना है, पहले नेमिंग करके हम माइनस कर लेंगे, हो जाएगा ई एफ जी एच, इसको आई जे के एल, ये एल पॉइंट है और ये जो बीच का है एम एन, ठीक है, ओ पी, मिडिल पे एक स्क्वायर रोड है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ कॉमन है। तो पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, एरिया ऑफ ई एफ जी एच क्यों करना है, एक रेक्टेंगुलर लॉन हमारा लेंथ ब्रेथ भी दे दिया है, अगर हम इसको इसका एरिया दोनों को एरिया ऐड करके इस पार्ट को हम माइनस कर लेंगे तो हमको एरिया ऑफ टोटल रोड मिल जाएगा, करेक्ट। फर्स्ट हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच पाथ, आप पाथ भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप रोड भी बोल सकते हो, ठीक है, और रोड मैं लिख देती हूं, रोड एरिया ऑफ ई एफ जी एच मतलब इस रेक्टेंगुलर का एरिया हम निकालेंगे, तो उसका लेंथ कितना 70 इंटू उसका ब्रेथ कितना 5, क्योंकि वो 5 मीटर यहां से यहां तक 5 मीटर ही है, बस उसी पार्ट का हम एरिया निकाल रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, आप टोटल 50 ना ले, 5 मीटर मतलब हम 20 का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 70 × 5 टोटल 350 मीटर स्क्वायर है कि नहीं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसी पार्ट का आई जे के एल, ठीक है, एल इजिकल टू 70 मीटर और ये हमारा एल है, ठीक है, एल के, तो एरिया ऑफ आई जे के एल रोड मतलब ये जो रोड है ब्रेथ वाला, ब्रेथ को जो पैरेलल है वही रोड का एरिया हम निकाल रहे हैं, तो उसका लेंथ कितना 50 और उसका ब्रेथ कितना 5, तो 50 × 5 जो कि 250 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अभी क्या करना है, एम एन ओ पी वो पार्ट भी है, तो वो पार्ट हमको निकालना है, वो पार्ट कौन सा शेप है, वो स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर शेप के लिए स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ एम एन ओ पी, एरिया ऑफ एम एन ओ पी स्क्वायर लिख देती हूं, क्योंकि ये जो बीच का पार्ट है वो दोनों तरफ कॉमन है और वो स्क्वायर पार्ट है, ठीक है, एम एन ओ पी स्क्वायर जो कि 5 × 5, देखो यहां पर 5, यहां से यहां तक एम पी को आप 5 ले सकते हो, एम एन को भी 5 ले सकते हो, तो साइड इंटू साइड स्क्वायर का, तो 5 × 5 जो कि 25 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट हमको क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ रोड, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ आई जे के एल, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, माइनस एरिया ऑफ एम एन ओ पी, करेक्ट। एरिया ऑफ ई एफ जी एच कितना 350 प्लस 250 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा हमारा 600 माइनस 25 जो कि 575 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ रोड,
रोड का एरिया हमारा फाइनली मिल गया, करेक्ट। अभी क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर मतलब टोटल रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 120 पर मीटर स्क्वायर गिवन है, तो लिख देते हैं रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज इक्वल टू 120 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रोड वो पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो हमारा जो रोड निकला है एरिया ऑफ रोड कितना निकला था 575, तो हमारा खर्चा कितना पर मीटर स्क्वायर 120 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 120 इंटू 575, ठीक है, इज इक्वल टू 575 इंटू 120 मीटर स्क्वायर, तो 575, 120 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो जीरो 96, तो टोटल 6900 रुपीज हमारा खर्चा हुआ था वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो कि हमारा ये फाइनल आंसर, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।